मैनपुरी उपचुनाव से ठीक पहले यादव परिवार सार्वजनिक मंचों पर एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव भी कह चुके हैं कि अब चाहे जो भी हो सब साथ रहेंगे। हालांकि अपने इस बयान के बाद भी वह अपने भतीजे अखिलेश यादव को पुरानी बातें याद दिलाना नहीं भूले। शिवपाल यादव ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अखिलेश हमारा सहयोग लेते तो आज उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती, अखिलेश मुख्यमंत्री होते और आज किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, नौजवानों को कोई परेशानी नहीं हो रही होती। शिवपाल ने विनायकपुर गांव में चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में बीजेपी की सरकार नहीं बनती, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारा फायदा उठाया, 2019 में भी हमारा फायदा उठाया गया। उन्होंने आगे कहा, अखिलेश हमारा फायदा नहीं उठा पाए, 2022 में भी फायदा नहीं उठा पाए, 2022 में भी अच्छा समय था, अगर हमारा सहयोग लेते तो आज यूपी में सपा की सरकार होती और अखिलेश यादव सीएम होते। सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला करते हुए शिवपाल यादव ने कहा, लेखपाल आज 5000 में काम कर रहा है, इन बेईमानों से मुकाबला करना है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, न्यायपालिका दबाव में काम करने लगी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां चेक की जा रही हैं, नेताजी ने जाति मजहब से उठकर काम किया, बीजेपी सरकार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने डिंपल यादव के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा, चुनाव में थोड़ा समय मिला है, अपने अपने एरिया में सभी लोग अभी से निकल जाएं और वोट मांगे, जनता झूठी और मीठी बातों में ना आए, जो भी बाहर है उनको बुला लेना, एक एक वोट डलवा लेना, बीजेपी के लोग धोखा देते हैं, 6 साल की सरकार में सड़कें नहीं बना पाए, नहरों में पानी नहीं आया,